Yes, welcome to day two. रुक भाई, मैं बहुत भिखारी दिख रही हूं। ये ब्राइडल फॉल्स पे रुकेंगे, गोरी दुल्हन का घूंघट। Yes, ये देखो ब्राइडल फॉल्स। एक मैंने सुना है लोग यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, आप वहाँ से यहाँ आ गए। $15 के अंदर अंदर आपका एक बढ़िया लंच कॉम्बो बॉक्स आ जाएगा। So guys, welcome to day two. तो अभी हम सुबह सुबह उठ के सब फ्रेशन अप हो चुके हैं एंड हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। तो पहले आप देखो वहाँ स्वाति जी बना रही हैं बढ़िया मैगी, और कितनी मैगी बना रही है अभी? तो चार, जितनी जगह है। नाइस। और यहाँ मैं बना रहा हूँ ब्रेड एंड ऑमलेट। ऑमलेट नहीं बना रहा, लाइक भुजिया टाइप बनाएंगे बढ़िया, और उसके बाद हम चाय भी बनाने वाले हैं। तो क्योंकि हमारे पास स्टोव दो ही हैं, गैस दो ही हैं, तो इसलिए हम अभी ये बना रहे हैं पहले। और अब हम अपना वाइंड अप भी कर रहे हैं क्योंकि हम बस खाकर निकल लेंगे। तो हमारे तीन टेंट थे, एक पूरा निकल चुका है, अब एक वहाँ निकलने की तैयारी है और एक यहाँ हम निकालेंगे। हो गया तुम्हारा टेंट अनपैक? बस जा रहे हैं, अब मैं वीडियो रख रही हूँ नीचे और मैं जाके टेंट डिसमेंटल करती हूँ और फिर हम चाय बना के पूरा खाना बना के आपसे फिर मिलते हैं। देखो गाइस, रुक भाई, मैं बहुत भिखारी दिख रही हूँ गाइस। क्या ये? मैं बहुत भिखारी दिख रही हूँ गाइस। यहाँ बर्तन धुल रहे हैं। तो गाइज, हमारा डे टू स्टार्ट हो चुका है एंड हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। हम पैक करके यहाँ से निकल रहे हैं और हम आपको रास्ते में दिखाएंगे हम जहाँ स्पॉट पे रुकते हैं। तो हम प्रोबेबली ब्राइडल फॉल्स पे रुकेंगे, चिली बैग के पास ही है वो एरिया। तो आपको दिखाते हैं वो कैसी फॉल्स हैं एंड देन हमारा प्लान है हम लंच करेंगे एबट्सफोर्ड में और उसके बाद सब पैकअप करके निकल जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, ये देखो यहाँ कार चोरियाँ हो जाती हैं तो उसकी वार्निंग लगा रखी है और स्मोकिंग अलाउड नहीं है, वीड अलाउड नहीं है, तो फायर वगैरह कुछ अलाउड नहीं है यहाँ पे। एंड थोड़ी ट्रेल है, आपको दिखाते हैं कितनी लंबी है। सो लेट्स गो। यार सेक्सी लग रहा है ना कितना। लाइक ये तो आई थिंक सिगरेट्स का है, दिस इज वीड, व्हाट इज दिस वन? वेप, इलेक्ट्रिक। हाँ, इलेक्ट्रिक। ओके, क्या होता है ब्राइडल व्हील? ब्राइडल व्हील दुल्हन का घूंघट। दुल्हन का घूंघट, उसके बेसिस पे इस फॉल का नाम गौरी दुल्हन का घूंघट। अरे देखो कैसा लग रहा है, दिस इज नाइस। हम लोग ऊपर गए थे लास्ट टाइम। कहाँ तक? एक्चुअली अलाउड नहीं है बट सब जाते ऊपर। चलो, अलाउड क्यों नहीं है वैसे ऊपर जाना? अच्छा, देखो भाई हैजार्ड वार्निंग लगी हुई है कि इसके आगे मत जाओ, बट अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो देखो लोग ऊपर तक कहाँ तक चढ़े हुए हैं, ऑलमोस्ट फॉल के पास तक आए हुए हैं ऑलरेडी। हम भी ट्राई करते हैं, जितना जा सकते हैं उतना तक आपको दिखाते हैं जाके। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। यहाँ से देखो काफ़ी स्टीप चढ़ाई है अगर आपको ऊपर तक जाना है तो, और वो हमारी फॉल्स है। ये देखो कुछ लोग बैठे हुए हैं एंड दिस लुक सो ब्यूटीफुल। ये देखो ये अपने साथ वाले लोग, ये ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे इसलिए ऊपर तक नहीं जा रहे थे, बट हम ट्राई करते हैं आपको बिल्कुल पास तक लेके जाके दिखाते हैं। देखो सब लगे पड़े हैं लाइन से। कहाँ चलना है? ऊपर इस साइड से या इधर से? यहाँ से चलो। जान पे जोखिम डाल के पूरा फॉल्स के ऊपर तक जाएंगी, छू के आएंगी पानी।
देखो गाइस, आप लोग को दिखाने के लिए, ये देखो, ये पहुंच के नाच रहे हैं। बाकी हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर। सो गाइस, ये देखो, ब्राइडल फॉल पे हम बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं और काफ़ी अच्छी फॉल है, लाइक काफ़ी वाइड है। एंड यहाँ से आपको मैं नीचे का भी दिखाता हूँ। देखो, लोग यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ की थोड़ी 400-500 मीटर्स का स्टीप चढ़ाई है। ये देखो कैसा रास्ता है। बट दिस इज नाइस, लाइक यू मस्ट कम। दिस एरिया इज क्लोज टू चिलीवैक और वैंकूवर से आई थिंक जस्ट 1-1.5 hour की ड्राइव होगी है, 1.5 hour। तो भाई, ब्राइडल फॉल्स हमने देख ली है एंड नाउ वी आर गोइंग डाउन। तो आपको दिखाते हैं अब इसके बाद। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी ना स्टीप चढ़ाई है काफ़ी, मतलब ट्राईपॉड लेके तो थोड़ा सा वैसा हो रहा है। बट देखो, मैं जैसे आपको दिखाता हूँ ये लोग कैसे उतर रहे हैं नीचे। देखो, ये देखो थोड़ा रास्ता ऐसा सा है। तभी वो वार्निंग साइन लगा हुआ था कि ज़्यादा ऊपर तक मत जाओ, बट यहाँ आओ एंड ऊपर आके फ़ोटो ना खिंचाओ, उसका क्या मज़ा। देखो नीचे का रास्ता, स्लिपरी है यहाँ का रास्ता थोड़ा। मैं ये कह रहा था कि वैंकूवर से ये जगह ऑलमोस्ट 2 hours तक दूर होगी और हम तो एबट्सफोर्ड में रहते हैं, तो हमें तो घंटा भर ही लगा मुश्किल से। और काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा ट्रेल नहीं है यहाँ। सीधा 400-500 मीटर्स से ऊपर चढ़ जाओगे आप सीधा। तो फाइनली हम आ चुके हैं नीचे। तो गाइस, ब्राइडल फॉल्स का तो हमारा हो गया, अब निकल रहे हैं। तो ऑन द वे मैंने सोचा आपको पूजा से मिलवाते हैं। तो पूजा एक्चुअली पहले ऑस्ट्रेलिया में थी एंड देन शी मूव्ड हियर रिसेंटली। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लाइक व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाई डिड यू मूव हियर। लाइक मैंने सुना है लोग यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, आप वहाँ से यहाँ आ गए, क्या रीज़न है? आई मीन ऑस्ट्रेलिया है तो बहुत अच्छी जगह। मैं मेलबर्न में थी, सो आई लव द प्लेस, आई मूव बैक इन अ हार्ट बीट। लेकिन वहाँ पे इमिग्रेशन थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, स्पेशली मेरे फील्ड में, मार्केटिंग में। अगर आप IT में हो, इंजीनियरिंग में हो या मेडिसिन फील्ड में हो, तो आपके हायर चांसेस है ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी मिलने के। तो आप कितने 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 इयर्स थे वहाँ पे? मैं 6 साल थी वहाँ पे। तो स्टडी भी वहीं से करी थी आपने? मैंने मास्टर्स की थी इंटरनेशनल बिजनेस में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। और फिर दैट्स लाइक वहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, राइट? या ओके। काफी चैलेंजिंग था वहाँ का कोर्स करिकुलम, बट इट वाज वेरी नाइस। लाइक काफी इंटेलेक्चुअल लोग भी मेरे को मिले, मेड सम लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। ओके। और फिर उसके बाद मैंने 4 years वहाँ पे मार्केटिंग में काम किया, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, और वहीं से मैंने यहाँ पे PR के लिए अप्लाई किया। ओके, तो आप वहाँ से यहाँ PR लेके मूव हुए हो, राइट? हाँ जी। तो अच्छा, तो ये आपका आई थिंक मेन रीजन हो गया। हाउ वाज द प्रोसेस, मतलब ऑस्ट्रेलिया से कनाडा का PR लेने का, वाज इट इजी? एक्चुअली आई वाज वेरी इजी। मेरा ऐसा कोई प्लान था नहीं मूव होने के लिए, बट मेरे एक दो दोस्त अप्लाई कर रहे थे एंड मैंने उनके एजेंट से बात की, एंड सर आपके पास सब है, आप अप्लाई कर दो। सो आई जस्ट अप्लाइड इट ऐसे ही, और फिर धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो फिर आज लाइक ओके, नाउ लुक्स लाइक आई हैव टू मेक द मूव। तो फिर मैं आ गई। थोड़ा टाइम लगा बिकॉज कोविड के वजह से। तो यहाँ पे आके आपको जॉब मार्केट कैसा लग रहा है, लाइक कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया? अगर मैं पूछूं तो यहाँ आपको लाइक जॉब मार्केट कैसा लगा? पे मैच करता है, कितना करता है, कितनी जॉब्स हैं, लाइक उस बारे में अगर हम बात करें थोड़ा? तो फिलहाल तो कनाडा की जॉब मार्केट काफ़ी वीक है। पे स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर बात करते हैं, तो जो स्पेशलिस्ट या कोऑर्डिनेटर लेवल की पोजीशंस है, वो सब में ऑस्ट्रेलिया में पे काफ़ी हाई है यहाँ से ज़्यादा। जनरल आइडिया, हाउ मच? वहाँ पे रेंज है 70-90, यहाँ का रेंज है 50-70। ओके, दैट्स लाइक, हाँ, प्लस टैक्सेस में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। एंड व्हाट अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग?
लेकिन उसमें एक और पॉइंट है सॉरी विच इज कि यहाँ पे जैसे तुम हायर पोजीशंस पे जाते हो ना मैनेजर डायरेक्टर तो यहाँ की पे ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया सो दैट्स अ रियली गुड पॉइंट कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल है बट वंस यू गो हायर अप थिंग्स आर मच बेटर आई सी ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है ऑस्ट्रेलिया में उनका कम पे है हां देयर इज लाइक अ कैप लाइक एक सीलिंग तुम पहुंच जाते हो ना उसके बाद बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो पे ज्यादा हां एंड व्हाट अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग लाइक वहां कितना लगता है और यहां कितना लग जाता है ओह दिस इज वैंकूवर इज twice as expensive यहाँ पे जितना मेरा अकेले का रेंट है वहाँ पे मेरा दो बेडरूम अपार्टमेंट का पूरा रेंट था वो सो ट्वाइस मिनिमल ट्वाइस इज एक्सपेंसिव ओके सो इज देयर एनीथिंग यू एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू नो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट्स एंड इज एनीथिंग एल्स कमिंग इन योर माइंड दैट वी कैन आस्क अगर किसी और के पास कोई क्वेश्चंस हो ऑस्ट्रेलिया मूव होने के लिए या ऑस्ट्रेलिया से कनाडा मूव होने के लिए तो आप सिड को मैसेज कर सकते हो ही कैन आस्क मी एंड वी कैन हेल्प यू गाइस आउट व्हाट्स योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल नेम इट्स पूजा भयानी सो पूजा _भयानी ओके नाउ वी आर गोइंग फॉर लंच और लंच हम जा रहे हैं एबट्सफोर्ड में पटना स्वीट्स तो आपको दिखाते हैं वहाँ क्या क्या ऑप्शन हैं काफ़ी सुना है हमने काफ़ी अच्छा है वहाँ का खाना हम आए हुए हैं पहले भी तो लेट्स सी कौन क्या ट्राई करता है और आपको मेन्यू दिखाता हूँ वहाँ का क्या खाने का मन है आज क्या क्या भटूरे छोले ये देखो ये छोले भटूरे खाएंगे जिंदगी के मजे ले रहे हैं ये व्हाट्स दैट स्पेशल डिश खिलाऊंगी तुझे वर्तिका क्या खाएगी हाँ पराठा खाएगी मैं बोलने वाली थी पराठा बोलते हैं क्या दही के साथ उनका पराठा बहुत होममेड है यार मुझे तो बहुत अरे ये सारे खद्दड़ लोग हैं हाँ तो इसका थोड़ा ट्रैवल का वो है माइल्स टू मैक्रोनी करके इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करना आप ये आपको ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर की चीज़ें आसपास घूमने वाली बताती है हम पटना स्वीट्स आ चुके हैं ये देखो बाकी पार्टी आ गई है एक्साइटेड मोड देखो भाई ये लोग वैंकूवर से आए हैं यहाँ पे आके प्राइसेस देख के ऐसे कह रहे हैं कि यार तो अंडर $10-12 सब आ जाएगा तो भाई यहाँ पे ना लंच कॉम्बो भी है अराउंड $11-12 के तो उसमें बढ़िया आपको दो तीन सब्जी मिलेंगी जैसे बटर चिकन दाल नान और $12 में आता है बढ़िया फिलिंग मस्त अच्छा तो आप कभी ऐसे इंडियन ट्राई करना हो वीकेंड पे तो आ सकते हो और ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट्स में यहाँ पे सरीसा इडलांगी एबट्सफोर्ड $12-15 के अंदर अंदर आपका एक बढ़िया लंच कॉम्बो बॉक्स आ जाएगा सो या इट्स गुड खा के बता कैसा है nice. वैंकूवर से बढ़िया कुलचे बटर छुप गया अमृतसरी कुलचे बताओ कैसा है ये पराठा भी आ चुका है यहाँ का अभी आपको बताते हैं ट्राई करके कैसा है पूरा घर वाली वाइब आ रही है पराठे देखे है ना घर तो काफी पराठा काफी घर वाला